नमस्कार दोस्तों में उजरा आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट्स दोस्तों आज का यह वीडियो किसी भी सिम यूज़र्स के लिए मान लीजिए आप जो है जियो सिम का उपयोग कर रहे हैं एयरटेल का सिम उपयोग कर रहे हैं या फिर आप जो वी का सिम उपयोग कर रहे हैं या फिर आप जो है बी का सिम उपयोग कर रहे हैं आप जो है अपने नंबर का यू कोड जो है मंगाना चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं जिससे आप जो है अपने सिम को पोर्ट करवा सकते हैं किसी दूसरे सिम में जैसे कि मेरा जो सिम है वो है जियो का और मुझे जो है इस सिम को जो है मेरा जो सिम प्रोवाइडर है वो चेंज करना चाहता हूं मैं जो एयरटेल में जाना चाहता हूँ तो इसके लिए जो है यूपीसी कोड की जरूरत पड़ती है तो उसे कैसे प्राप्त किया जाता है तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक मैसेज करना होगा आपको अपने जियो के नंबर से एक मैसेज भेजना होगा और आपको यूपीसी कोड मिल जाएगा तो चलिए यहां पर मैं अपना जो है एक मैसेज uh, बॉक्स जो है ओपन कर लेता हूं यहां पर आपको एक नया मैसेज क्रिएट कर लेना है तो यहाँ पर देखिए मेरे में स्टार्ट चैट का ऑप्शन दे रहा है हो सकता है आपके में प्लस का दे या फिर न्यू मैसेज का ऑप्शन दे तो उसके ऊपर में आपको क्लिक करना और एक नया मैसेज यहाँ पर क्लिक करना है तो नंबर आपको क्या डालना है तो यहाँ पर देखिए नंबर आपको डालना है वन नाइन डबल जीरो ठीक है ये देखिए वन नाइन डबल जीरो एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ सेंड टू वन नाइन डबल जीरो और यहाँ पर आपको टेक्स्ट में लिखना है मैसेज में यहाँ पर लिखना है आपको ये यह देखिए यहाँ पर कैपिटल में पी ओ आर टी उसके बाद स्पेस देना है एक स्पेस देने के बाद अपना मोबाइल नंबर जो आप पोर्ट करना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ और उसके बाद इसको जो है अपने जियो सिम से सेंड कर देना या फिर जिस सिम का जो आप जो है यू कोड चाहते हैं वो उससे आपको सेंड कर देना तो मेरा जो है जियो का सिम है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर सेंड कर देता हूँ और यहाँ पर हम सेंड कर देते हैं और हम इंतजार कर लेते हैं पोर्ट नंबर का या कहते हैं तो यू कोड का तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यूपीसी कोड यहाँ पर आ चुका है देख सकते हैं 1901 के नंबर से यहाँ पर इसे मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा यूपीसी कोड यहाँ पर मुझे दे दिया है और ये वैलिड कब तक का रहेगा तो आज की तारीख यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में देख सकते हैं अट्ठाइस अप्रैल है ठीक है तो यह जो है सिर्फ मान्य रहेगा दो, दो मई तक मतलब ज्यादा दिन का समय यह नहीं देता है अब एक हफ्ते का लगभग सिर्फ जो है टाइम देता है उसके बाद यह जो है एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद फिर से आपको दूसरा यूपीसी कोड निकालना होगा इस मैसेज को भेजने के लिए आपके फोन में या तो अनलिमिटेड वाला रिचार्ज होना चाहिए या फिर मैसेज पैक या फिर मेन बैलेंस तब यह मैसेज जो है सेंड होता है अगर आपके फोन में किसी प्रकार का कोई रिचार्ज नहीं है तो यह मैसेज सेंड नहीं होगा और आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो अब आप जान चुके हैं किस तरह से जो है अपने जियो नंबर का जो है यूपीसी कोड आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों तो छोटी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही मैं आपको बता दूं इसी तरह के बेसिक वीडियोस हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूं तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले का लिंक दे दिया है जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे तो उसे जाकर जो आप देख सकते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ